हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, ये एक नोटिफिकेशन है डेट एक्सटेंड को लेके, जो कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और जो 21 दिसंबर को जारी किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा, जो UGC के द्वारा एक्रेडिट है ग्रेड A+। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ से डिस्टेंस BEd करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ था, उनके लिए एक बेहतरीन ये न्यूज़ है। देखिए, इसमें ओपन फिजिकल ओपन काउंसलिंग के लिए सभी स्टूडेंट को बुलाया गया है, और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डेट 21 का है, 21 दिसंबर का है, और सेशन 2020 को हम काफ़ी दिन से फॉलोअप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसी को लेके बात करने वाले हैं। तो अगर ये आपके लिए रिलेवेंट है तो आप इसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू 2 ईयर BEd प्रोग्राम डिस्टेंस मोड अंडर कश्मीर चैप्टर इंक्लूडिंग OSA एडवर्टाइज वाइड वेरियस एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफर्ड थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फॉर द सेशन 2020 एंड हैवन बीन सेलेक्टेड और हैव फॉरफिटेड देयर एडमिशंस दैट दे सेल कंप्लीट देयर एडमिशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज अप टू एंड इंक्लूडिंग 27 दिसंबर, सब्जेक्ट टू द फर्दर वेरीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करने की ट्राई की गई है कि जो स्टूडेंट अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे थे डिस्टेंस मोड चैप्टर कश्मीर के लिए, ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस चैप्टर के लिए, ठीक है, या फिर जिनका लिस्ट में नाम था और वो अपनी लास्ट ईयर तक फीस सबमिट नहीं करा पाए थे, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे वापस से एक चांसेस दिया गया है, लास्ट चांस दिया गया है कि आप आके अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा सकते हैं 27 दिसंबर तक। और यहाँ पे उन्हें बुलाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ऑफिस में। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है हमारी, मोर एवर दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर 2 ईयर BEd प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड अंडर जम्मू इंक्लूडिंग OSA। देखिए, OSA है आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर कैटेगरी के, जो रेजिडेंट जो जम्मू कश्मीर से बाहर के स्टूडेंट हैं वो OSA कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे तीन चैप्टर हो गए, जम्मू चैप्टर, करगिल एंड लेह चैप्टर, एंड हैवंट बीन सेलेक्टेड येट और हैव फॉरफिटेड देयर राइट टू एडमिशन कैन आल्सो कंप्लीट द एडमिशन रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज एट देयर रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की ट्राई की गई है कि जो स्टूडेंट इन तीन चैप्टर से हैं, कौन से, जम्मू, करगिल एंड लेह चैप्टर से, ठीक है, कश्मीर चैप्टर के अलावा, वो भी स्टूडेंट यहाँ पे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, या फिर जिनका लिस्ट में नाम था लेकिन उन्होंने अपना लास्ट डेट तक अपनी फीस सबमिट नहीं करवा पाई है, या फिर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है, अपना जो चांस है वो फॉरफिट कर दिया है, उन्हें भी यहाँ पे लास्ट चांस दिया गया है कि वो आके अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर, जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करते टाइम अपना सेंटर जो चूज किया था, उस सेंटर पे जाके अपना प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और आफ्टर एक वेरिफिकेशन के बाद में उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग है जिसमें सभी स्टूडेंट को इन्होंने बुलाया है। अब वहाँ पे जाके जो क्या वरीयता होगी वो वहीं पे पता चलेगी, लेकिन 27 दिसंबर यहाँ पे बताई गई है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस का ये नोटिफिकेशन है, डेट देख सकते हैं आप 21 दिसंबर। तो एक तरह से लास्ट चांस है फिजिकल काउंसलिंग का, और मुझे नहीं लगता इसके बाद में इनकी सारी जो सीटें हैं वो फिलअप हो जाएंगी, और उसके बाद में ये वापस से कोई डेट एक्सटेंड करने वाले हैं। तो इट विल बी द लास्ट चांस फॉर द स्टूडेंट हु हैव इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस मोड BEd प्रोग्राम। तो गैस, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नेटवर्क।